नमस्ते फ्रेंड्स, आर एंड टैरो में आपका स्वागत है। टैरो में आपको चार सूट्स मिलेंगे, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स और कप्स। पेंटिकल्स स्टैंड करते हैं सिक्योरिटी के लिए, मनी के लिए। वॉन्ड्स स्टैंड करते हैं पावर के लिए, एनर्जी के लिए, एंथुजियाज्म के लिए, चैलेंज के लिए। कप्स स्टैंड करते हैं इमोशन के लिए, लव के लिए। और शॉर्ट स्टैंड करते हैं माइंड के लिए, इंटेलेक्ट के लिए। आज इन चारों सूट्स में से हम बात करने वाले हैं वॉन्ड की। उसमें से एक कार्ड जो हमने चुना है आज का, वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ये है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो हम इसके न्यूमरोलॉजी में जाएं। सेवन नंबर जो है, इट्स नोन एज द मिस्टिकल नंबर and it's also known as the spiritual number and it's also known as the masculine principle. जो एट नंबर है वो वुमन का प्रिंसिपल है, वो फेमिनिन प्रिंसिपल है, लेकिन जो सेवन है वो मैस्कुलिन प्रिंसिपल है। तो इस कार्ड में पहला इंडिकेशन जो है हमें ये आता है कि जब आपके पास ये कार्ड आ रहा है तो वो सिचुएशन आपकी ये है कि यू हैव टू डील विद योर मैस्कुलिन प्रिंसिपल। यू हैव टू बी मैस्कुलिन इन दिस मोमेंट टू डील विद द करंट सिचुएशन। एंड व्हाट डज मैस्कुलिन मींस? मैस्कुलिन विल स्टैंड फॉर इंटेलेक्ट, पावर, ऑल दी थिंग्स विच हैज़ टू डू विद फाइटिंग, स्ट्रगल, कॉम्बैट। ये सब चीज़ें जो हैं मैस्कुलिन के अंदर जो हैं वो आ जाएंगी। अब अगर हम इसके पिक्चोरियल मीनिंग में उतरें, अगर हम इसकी पिक्चर देखेंगे तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक आदमी जो कि एक पहाड़ की चोटी पे किसी तरह से पहुंच गया है और उसके नीचे जो है छह वॉन्ड्स हैं। एंड व्हाट इट अपीयर्स इज लाइक ही इज फाइटिंग विद ऑल दीज सिक्स। लगता है ऐसे ही है कि वो छह के साथ जो है इन वॉन्ड के साथ लड़ रहा है। और अगर आप देखेंगे उसका चेहरा, तो उसका चेहरा जो है आपको टेंस दिखेगा, एक कांस्टेंट एक स्ट्रगल शो कर रही है इस कार्ड के अंदर। और एक दौड़ है ऊपर होने की, टू बी ऑन द टॉप। और जो छह वॉन्ड हैं वो सिंबॉलिकली वो हमें ये बता रहे हैं कि वो भी ऊपर आना चाहते हैं। एंड सम हाउ दिस मैन हैज़ रीच्ड ऑन द टॉप एंड दीज सिक्स वॉन्ड्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग हिम बैक। Because these six want the same thing for themselves, you know, what this man has achieved. So, अगर हम इसके keywords में जाएंगे seven of wands के, तो इसके keywords हैं challenge, competition, protection, exhaustion, giving up, overwhelmed. Seven of wands जो है एक high energy card है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि एक आदमी जो है छः से लड़ रहा है। लाइक ही इज़ ऑल अलोन एंड ही इज़ फाइटिंग विद सिक्स अदर पीपल। एंड जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि एक कांस्टेंट एक स्ट्रगल शो की जा रही है टू बी ऑन द टॉप। और अगर उसको ऊपर रहना है तो उसको फाइट करना पड़ेगा, अदरवाइज ही विल बी डाउन, ही विल हैव टू कम डाउन। ये कार्ड हमें जो है एक और हमें लाइफ की रियलिटी भी बताता है, वो ये कि जब आप टॉप पे होते हैं तो देर इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल विच इज़ देयर टू बी ऑन द टॉप। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो सारे के सारे नीचे ही हैं। एक आदि कोई जो है पावर जिसको मिली हुई है जिसके कारण वो ऊपर है, एक आदि कोई जो है प्रधानमंत्री है, ज़्यादातर तो सारे के सारे जो हैं आम नागरिक ही हैं, जिसके कारण there is a constant struggle, because in आम लोगों को भी जो है उसी position में पहुँचना है जहाँ पर यह आदमी पहुँच गया। Seven of Wands इसमें यह indicate करता है कि अगर आप किसी कुर्सी पर पहुँच गए जहाँ पर आप एक ऐसी position पर पहुँच गए जहाँ पर आप हमेशा से पहुँचने चाहते थे, तो आप ये मत समझिएगा कि आप हमेशा से यहाँ पर रहने वाले हैं। आपको constantly आपको उस जगह के लिए fight करनी पड़ेगी। This is what the politics is all about. This is what the power is all about, and that is the only way you can be on the top of these people, you know.
ये आदमी जो ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया, जो नीचे जो खड़े हुए हैं, वो इसको कहाँ से माफ़ करेंगे? क्योंकि इस क्योंकि उनको भी वहीं जाना है। और अगर आप देखेंगे कि इस आदमी का एक जो जूता है वो फट रहा है, और जूता और जो दूसरा जूता है वो ठीक है। आपको जूम करके जो है आपको ये इमेज ज़रूर दिखाई जाएगी। तो आपको बहुत बारी जो है ये इग्नोर हो जाता है, बहुत सारे टैरो रीडर्स जो हैं इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। व्हाट इट इज़ सेइंग इज़ कि बिकॉज ऑफ हिज फाइटिंग, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट एक बैटल में है, स्ट्रगल में है, नाउ हिज स्ट्रेंथ इज़ वेयरिंग ऑफ, हिज शूज़ आर वेयरिंग ऑफ, कि धीरे धीरे वो थक रहा है और धीरे धीरे जो है वो एक डाउनफॉल की एक पोजिशन जो है शो की जा रही है। अगर आप देखोगे उसका एक जो फुट है वो जो है बिल्कुल एक ढलान पे है, कुछ ऐसा है कि जैसे वो फिसलने वाला है। और ये छः लोग जो हैं, जो छः वॉन्ड्स जो हैं उसके आसपास, वो वेट ही कर रहे हैं वो कब वो गिरे, तो उनमें से एक जो है ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाएगा। तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर हम 5 of wands, 6 of wands और 7 of wands का रिलेशनशिप देखें, तो हमें ये 7 of wands जो है उसकी पोजीशन समझ में आ जाएगी। 5 of wands में हम देखते हैं कि there are five people who are fighting, they are shown like there is a kind of a struggle which is going on, और उन पांचों में से एक जीतना चाहता है और फाइनली एक जीत जाता है, तो वो 6 of wands में अपीयर होता है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस ऑल्सो। और ऐसा कहें कि एक मुंह बोला सक्सेस, असली सक्सेस है या नहीं है ये तो पता नहीं है। तो समहाउ ही रीचेज अ पॉइंट ऑफ सक्सेस। और अगर आपको 6 of wands की, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको मैंने ये भी बात करी है, उसमें जो सक्सेस है वो एक मैन मेड सक्सेस है, असली सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो जिस घोड़े पर बैठा हुआ है वो नकली घोड़ा है। तो खैर वो किसी तरह से ऊपर तो चढ़ गया, लेकिन जो आसपास जो लोग हैं वो भी सब झूठ हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है कि वो उनको दिखाने के लिए कि यू नो लाइक ही हैज़ वॉन द बैटल। एंड फाइनली ये आदमी जब जो है जीत गया, वो फाइनली एक ऐसी पोजीशन पहुंच गया, एक ऐसी पॉलिटिक्स की एक कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी पोजीशन में जहाँ पे उसके पास पावर है, वो वहाँ पहुँच गया है। अब उसको कॉन्स्टेंटली ये उसको फाइट करनी पड़ेगी टू बी देयर। सो आप रिलेशनशिप देख रहे हैं कि 5, 6, 7 का देर इज़ अ कॉन्स्टेंट टेंशन विच इज़ गोइंग फ्रॉम 5 एंड इट इज़ गोइंग टिल 7। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस कार्ड इज, वेन एवर दिस कार्ड कम्स टू योर रीडिंग इज, इट बेसिकली मीन्स यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ स्ट्रगल इन योर लाइफ एंड यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी देयर। आप कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं उस पोजिशन में, and it is just giving you lot of stress, and it is just giving you like lot of tension all the time, you're not able to relax, क्योंकि आपको जो है एक ही चीज़ चाहिए, आपको पावर चाहिए और पावर की एक कीमत है। पावर आपको रिलैक्स नहीं करने देगा, पावर आपको मेडिटेट नहीं करने देगा, पावर आपको आँख नहीं बंद करने देगा, पावर कॉन्स्टेंटली आपको जो है बाहर ही रखेगा। क्योंकि आपने जैसी आँख बंद करी आपकी कुर्सी गई, आपकी पावर गई। So this is what it is all about. This card is about being on the outside and not looking inwards. और हो ये रहा है कि ये आदमी जो है totally ignore करे जा रहा है अपनी inside life को, अपनी inner life को, और अपने अंदर अंदर एक जो है turmoil उसके अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, stress इकट्ठा होता जा रहा है, और अब और इस वजह से वो अपने से दूर होता जा रहा है। So this is what actually shown in 7 of wands, और आपको यही इंडिकेट आता है जब भी आपको ये कार्ड आए कि जस्ट बी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर डूइंग, ट्राई नॉट टू गेट इन टू अ रट, ट्राई नॉट टू गेट इन टू अ रैट रेस विच एवरी वन इज डूइंग। थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट वॉट एक्चुअली गिव्स यू हैप्पीनेस। आप उन चीज़ों को करके अगर आपको जो है सुख मिलता हो, जो कि सभी कर रहे हैं, तो सुखी होना बहुत आसान हो जाता। सुखी वही आदमी है जो उसने अपने स्वभाव को पहचाना,
जिसने असल में वो काम करने शुरू करे जो वो हमेशा से करना चाहता था, और वो क्या है, लाइक गोइंग बैक इनटू योर ओन सेल्फ, नो वेयर टू गो बट इनसाइड। सो विद दिस नोट आई एंड माय रीडिंग फॉर यू फॉर सेवन ऑफ वॉन्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।